हेलो एवरीबॉडी, स्टडीज ऑफ क्लास 11th। स्नैपशॉट्स, दिस बुक वी वर स्टडिंग, वी वर इन चैप्टर 2nd, द एड्रेस, राइट, बाय मार्गा नीलू। द एड्रेस वी कंप्लीटेड हियर, पेज नंबर 12, नॉट कंप्लीटली, समवट। The things which completed here, the author, writer, she's a girl, that's a girl, and her mother had given some of the things of the house to a lady, kisi lady ko diya tha, her name is Mrs. Darling. Actually, that was the time of civil war in Holland, and that lady, Miss Darling, was an acquaintance of writer's mom. She may or may not had greed. Shayad greed tha ya nahi tha, lalaj tha ya nahi tha. What did she do and say? She said to the writer's mom that the things you have at your house, give me all these things. I'll keep them safely. If you have to go from here, agar aap yahan jana pad gaya to problem hogi. The writer's mom also thought so. Agar hame jana pad jaye, bhagna pad jaye to ye sari cheeze, the people will plunder them. Loot ke le jayenge. So it's better to give these things to this poor lady. हो सकता है कुछ सालों बाद हम लोग वापस भी जाएंगे, वी विल गेट आर थिंग्स बैक फ्रॉम मिसेज डार्लिंग। सो द राइटर वेंट टू हर, बट शी डिड नॉट मीट हर, मिली नहीं। शी सेड दैट कम आफ्टर सम टाइम, सम अदर डे, कभी और आ जाना, अभी टाइम नहीं मेरे पास। राइटर से मिलने के लिए मिसेज डार्लिंग ने मना कर दिया। नाउ The writer was going back to railway station. On the way, she was thinking about all these things. कि मॉम ने मुझे बताया था, घर से सारी चीजें वो लेके जा रही थी, चुरा के नहीं, जिद करके नहीं, ये कह करके कि मैं सेफली रख दूंगी, लेकिन अब वो मिलने से इनकार कर रही है। अब जो सिविल वॉर के टाइम जो प्रॉब्लम्स भी थी, वो प्रॉब्लम्स, ऑल दिस थिंग्स आर सेटल्ड, वो सारी सॉल्व हो गई। देर इज नो वॉर, नो वायलेंस, नो सिविल वॉर, कोई सिविल वॉर नहीं था। मॉम ने यह भी बता दिया था दैट शी सॉरी फॉर द डिस्टर्ब मॉम ने यह भी बता दिया था वेयर शी लिव्ड, कहां वो रहती थी, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, एंड हर नेम ऑल्सो मिसेस डार्लिंग। बहुत सालों तक द राइटर सप्रेस हर डिजायर दबा कर रखा। शी वॉन्टेड टू हैव दोज थिंग्स बैक, शी वॉन्टेड टू सी ऑल दिस थिंग्स बैक, ये सब चीज देखना चाहती थी, बट शी थॉट दैट नो, आई विल नॉट टेक दोज थिंग्स, आई विल नॉट सी दैम, मैं नहीं देखूंगी, मैं नहीं लूंगी उन्हें। Because if I see them, अगर मैं उन चीजों को देखती हूँ, if I bring them back, अगर मैं लेकर के आती हूँ, those things will remind me of my mom. वो सारी चीजें मुझे मेरी मॉम की याद दिलाएगी। राइटर ने सोचा अगर मैं लेकर के आती हूँ तो मॉम की याद दिलाएगी वो सारी चीजें, इसलिए मैं उन चीजों को नहीं लाऊंगी। मिस डॉर्लिंग रखिए तो रखने दो, उसी को मुझे नहीं चाहिए। What had happened that the writer's mom died, उनकी डेथ हो गई थी, वी डोंट नो द रीजन एंड द मैनर ऑल्सो, किस तरह से डेथ हुई थी ये नहीं पता है, बट शी वॉज नो मोर। लेकिन बाद में ऐसा हुआ दैट वन डे शी थॉट नो आई वॉन्ट टू सी दोज थिंग्स एंड टच दैम, मैं टच करना चाहती, आई वॉन्ट दैम बैक,
इसलिए वो गई थी। लेकिन अब मिसेस डॉर्लिंग मिलना नहीं चाह रही थी। आगे बढ़ते अब क्या हुआ यार यहाँ पे, बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड। अ रूम विद अ व्यू। यू वर मोर यूज टू ग्लांसिंग एट ईच डे। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजिशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। आई वॉन्टेड टू सी दैम टच रिमेम्बर। धीरे धीरे क्या हुआ, सिविल वॉर का जो इन्फ्लुएंस जो था वो खत्म हो गया, नॉर्मल हो चुका सब कुछ। ब्रेड यानी कि पहले जो खाना खाते थे उस वक्त चिंता सोच होती थी, पता नहीं कल क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, मर जाऊंगा क्या, मर जाऊंगी क्या, कोई मार देगा मुझे क्या। लेकिन अब खाने में वही खुशी आ रही थी। कोई भी अनथ्रेटेंड बिना डरे कॉट पे बेड पे सो सकता था। पहले के डर था, मैंने सो रहा हूं किसी ने आगे मार दिया था। लेकिन अब वो नहीं था, अब वो डर नहीं था। अब जिस तरह से पहले यानी सिविल वॉर के पहले जैसे टाइम था, कोई घर से बाहर देख सकता था हैप्पीली, ठीक वैसे ही अभी भी कोई देख सकता है। अब भी वॉर का टाइम खत्म हो गया, वॉर के पहले जैसे था वैसे वॉर के बाद हो गया। एक दिन वो सोची कि नहीं, मैं जिन चीजों को चाहती हूँ, मतलब जो चीजें मेरी मम्मी ने दी है वो चीजें मैं देखना चाहती हूँ, छूना चाहती हूँ, रिमेम्बर करना चाहती हूँ, मम्मी को याद करना चाहती हूँ। पहले डर लग रहा था, मम्मी को याद नहीं करना चाहती थी, मम्मी याद आएगी इसलिए नहीं लेना चाहती। अब सोच रही नहीं, मैं मम्मी को याद करना चाहती हूँ उन चीजों के जरिए। After my first visit in vain to Mrs. Dorling's house, I decided to try a second time. एक बार तो गई थी, अब फिर से सोच रही है कि नहीं मैं और भी बच जाऊं, कि वह देखती हूं कि क्या कह रही हो। Now a girl of about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. इस बार डोर को खोलने वाली मिसेस डॉर्लिंग नहीं थी। There was a girl of 15 years of age. और पूछा कि मम्मी है? No, she said. My mother's doing an errand. कहा कि नहीं, मम्मी एरेंड करने गई। एरेंड मीन्स होता है कि एरेंड मीन्स इफ somebody टेल्स यू डू दिस थिंग, डू मीन्स ये चीज वहां पहुंचा क्या, या फिर कोई चीज वहां से लेकर क्या, दिस इज एन एरेंड। कोई अगर आपसे ये कहता है कि ये बात वहां तक पहुंचा दो, ये मैसेज पहुंचा दो, या तो वहां से मैसेज लेकर क्या, दिस इज कॉल्ड एरेंड। तो उस गर्ल ने, हु वाज 15 इयर्स ऑफ एज, शी सेड दैट माय मदर हैज गॉन फॉर एन एरेंड। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर। और राइटर ने बोला, नो मैटर, आई विल वेट फॉर हर। I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. जब घर के अंदर गई, राइटर वो लड़की अंदर लेके गई वो गर्ल राइटर को, तो वहां पे एक कैंडल होल्डर, हनुका जिसे कहते हैं, कैंडल रखा जाता है, वो दिखाई दी। मिरर के पास ही वो रखी हुई थी। उसको देख के पहचान गए राइटर कि ये हनुका हम लोगों की है, कैंडल होल्डर हम लोगों की है। कहा कि हम लोग इसे, वो सोच रहे थे हम लोग इसको कभी यूज नहीं करते थे, क्योंकि एक सिंगल कैंडल स्टिक के लिए, कैंडल के लिए ये काफी हैवी होता है। अगर हमें कैंडल ले जाना हो एक जगह दूसरी जगह, अगर कहा जाए कैंडल को एक जगह पे रखो उसके बाद लेके, और वो काफी हैवी है तो हम क्यों लेके जाएंगे उसको, वो ज्यादा स्पेस भी लेगी वो, तो हम कोशिश करेंगे सिर्फ कैंडल को ही लेके जाएंगे। तो काफी कम्बरसम था, कम्बरसम लार्ज और हैवी टू कैरी, काफी लार्ज होता है जो कैरी करने के लिए हैवी होता है। तो कैंडल के लिए इतना भारी भरकम, इतनी भारी भरकम चीज,
Won't you sit down? Asked the girl. She held open the door of the living room and I went inside past her. I stopped horrified. I was in a room I knew and didn't know. I found myself in the midst of things I didn't want to see again, but which oppressed me. Oppress, pareshan karna, takleef dena. Oppressed me in the strange atmosphere. Because of the tasteless way everything was arranged, because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there. I don't know, but I scarcely dared to look around me. The girl moved a chair. I sat down and stared at the woolen tablecloth. I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge, there should be a burn mark that had never been repaired. उस घर ने पूछा, won't you sit down? बिठाया चेयर थी. अंदर चली गई थी. अंदर एक और रूम है. उसका डोर खोला. बोला, कहा बैठ जाओ. कहा कि मैं अंदर जब गई तो रुक गई, डर गई. मैं क्यों डर गई? कहा कि मैं इस तरह के रूम में थी, जिस रूम को मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी. मतलब क्या, उस रूम में जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें राइटर की थी, राइटर की मम्मी की थी. राइटर की मम्मी ने सारी चीजें दी थी रखने के लिए. कहा कि मैं उन सभी चीजों के बीच में थी जिन चीजों को मैं देखना चाहती थी, फील करना चाहती थी, लेकिन वो सारी चीजें कि स्ट्रेंज एटमोस्फियर में अलग जगह थी, तो मुझे ऑपरेस कर रही थी, परेशान कर रही थी. मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो चीजें वहां रखी हुई थी. क्यों? इसके पीछे और एक वजह थी, क्योंकि वहां पे जो अरेंज की गई थी वो चीजें अरेंज नहीं थी, सही तरह से नहीं रखी गई थी. अगर हमारी कोई चीज हो तो हम अच्छी तरह से रखेंगे, लेकिन चुरा के लाई गई हो तो हम जैसे तरह रख देंगे. और फर्नीचर वगैरह जो वहां पे थी वो भी अगली, मतलब अच्छी फर्नीचर नहीं थी. स्मेल भी अलग तरह की आ रही थी रूम से. कहा कि मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी चीजों की ओर देखने के लिए, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मम्मी ने सारी चीजें दे दी है. मम्मी की भी अब याद आ रही है, पहले याद करना चाहती, अब याद आ रही है मम्मी. अब बुरा लग रहा है, अलग तरह से रखी हुई है. हमारी चीजें हैं ये, इन्होंने रखी है. उस गर्ल ने एक चेयर दी. पहले बोला था प्लीज सिट डाउन, मतलब वॉन्ट यू सिट डाउन. चेयर दी. कहा कि मैं बैठ गई और सामने टेबल जो थी, उस टेबल पे क्लोथ था. उस क्लोथ के पैटर्न पे वो रबिंग करने लगी फिंगर्स. क्यों? इसके पीछे क्या रीजन था? क्योंकि ये टेबल क्लोथ भी उन्हीं का था, राइटर का ही था, राइटर की मम्मी का ही था. वो सोच रही थी शायद यहाँ पे कोई बर्न मार्क जला हुआ है जो कभी रिपेयर हम लोग नहीं करवाए थे, तो बर्न मार्क जरूर मिल जाएगा. वो रब करते गई, रब करते करते फिंगर्स वार्म हो गई, गर्म हो गई फिंगर्स, लेकिन अभी तक वो बर्न मार्क नहीं मिला. माय मदर विल बी बैक सून, सेड द गर्ल. आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप? कहा कि मेरी मम्मी अभी आ जाएगी, मैंने चाय बनाई है उनके लिए. वुड यू हैव टी? थैंक यू. राइट ने बोला थैंक यू. आई लुक्ड अप, द गर्ल put cups ready on the tea table. She had a broad back, just like her mother. She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid, I remembered. She opened a box and took some spoons out. मैंने देखा उस लड़की की ओर. वो क्या की, कप्स वगैरह रेडी कर रही थी टी टेबल के लिए. कप्स रेडी कर रही थी, चाय टी देनी है. बैक का पोर्शन जो था ब्रॉड था, यानी दैट वॉज डिजीज. ये मम्मी को भी था, पता चल गया उसकी मम्मी की जैसी है. मतलब दैट गर्ल वॉज, उसने पहले बता दिया था मॉम इज कमिंग, मॉम. मतलब पता चल गया कि ये ऐसा नहीं है कि ब्रदर की डॉटर है, उसके ब्रदर की डॉटर है, या सिस्टर की डॉटर है, और कोई है, रियल में उसकी ही डॉटर है. डिजीज से भी पता चल गया. वो एक वाइट पॉट, एक वाइट पॉट था, उससे टी को पोर कर रही थी, डाल रही थी कप में, और उस टी पॉट के ऊपर एक गोल्ड बॉर्डर भी था, यानी कि डिजाइन बना हुआ था उस टी पॉट में. कहा कि मुझे ऑन द लीड, लीड जो था उसका ढक्कन, उसके ऊपर डिजाइन बना हुआ था. कहा कि मुझे याद आ गया, मतलब ये टी पॉट भी हम लोगों का ही है. अब उसके बाद वो एक बॉक्स खोलने के लिए गई, वहां से स्पून्स लेकर के आई.
That's a nice box. I heard my own voice. It was a strange voice, as though each sound was different in this room. राइटर ने बोला कि स्ट्रेंज बॉक्स है, मतलब काफी ब्यूटीफुल बॉक्स है, जिस बॉक्स से वो स्पॉन्ज निकालने के लिए गई। ये आवाज इको आ रही थी, बहुत जगह रूम वगैरह ऐसा होता है कि इको आती है। कहा कि मुझे मेरी आवाज सुनाई थी, मतलब इको आई। कहा कि इस रूम में वॉइस साउंड जो था वो डिफरेंट लग रहा था, इको ज्यादा थी वहां। ओ यू नो अबाउट दैम, शी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। She laughed. My mother says it's unique. We have got lots more. She pointed around the room. See for yourself. कहा कि आपको पता है इन स्पून्स के बारे में? उस गर्ल ने बोला राइटर से। मुड़ करके चाय पर टी जो बना रही थी, चाय बना रही थी, वो मुड़ करके देखिए बोली, आपको पता है इनके बारे में? कहा कि मेरी मम्मी कहती है कि ये जो टी पॉट वगैरह एंटीक है। एंटीक का पहले भी यूज किया गया था, राइटर की मम्मी ने जब दिया था तब भी, बहुत पहले की बेनिमत, काफी एक्सपेंसिव, वो चीजें और नहीं मिलेंगी कहीं पे। कहा कि इस तरह के टी पॉट्स वगैरह स्पॉन्ज ये बहुत सारी हमारी और भी हैं रूम में, दिखा दिए कि आप देख लो खुद कितनी सारी चीजें हैं, टी पॉट्स वगैरह और भी बहुत सारी चीजें हैं, एंटीक चीजें हैं। आई हैड नो नीड टू फॉलो आवर हैंड, आई न्यू विच थिंग्स ही मेंट। I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pure plate. कहीं मुझे उस गर्ल ने जो फिंगर दिखाया कि देखो आप, कहीं मुझे उसके फिंगर को फॉलो करने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता था वो क्या क्या चीजें हैं, मेरी हमारी चीजें हैं, वो उस गर्ल को पता नहीं है। एक प्यूटर प्लेट, मिट्टी का एक प्लेट आता है, तो उस प्लेट पे एक एप्पल ड्रॉ किया हुआ था, उस प्लेट को देखा। कहा कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो मुझे हमेशा वो प्लेट अट्रैक्ट करता था, फैंसी लगता था, मुझे काफी अच्छा लगता था। वो प्लेट अभी दिखाई दे रहा है। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग शी सेड, वंस वी इवन ऐड ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, आई वांटेड इट सो मच बट इट वाजंट एनीथिंग स्पेशल। कहा कि और भी प्लेट्स वगैरह है, एक तरह के सेट दिखाया प्लेट्स का। कहा कि इसमें भी, इसमें हम लोग खाना वगैरह खाए थे, एक बार एक ही बार खाना खाए थे उसमें। I had found the burn mark on the table cloth. The girl looked questioningly at me. वो लड़की देख रही थी राइटर की ओर, और burn mark टेबल क्लॉथ पे जो था वो मिल गया। Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. You only notice when something is missing. Because it has to be repaired or because you have lent it, for example. राइटर ने बोला कि बिल्कुल सही बात है, घर में बहुत सारी चीजें हैं, तुम शायद सभी चीजों को देखती भी नहीं, जैसे कि तुमने बोला कि उन प्लेट्स सेट जो है प्लेट्स का एक ही बार इस्तेमाल किया था, तो बहुत सारी चीजें हमारे घर में हम देखते भी नहीं है, रियल में बहुत सारी चीजें देखते भी नहीं है। जबकि कभी ऐसा था कि वो हमारे लिए कभी सपना था वो लाना, लेकिन अगर लेके आप देखते भी नहीं। कहा कि नजर कब पड़ती है उन चीजों पर, या फिर उन वो चीजें जहां पर रखी होती है उन जगहों पर, जब वो चीजें वहां पर नहीं रहती है। अगर टीवी है तो है, फ्रिज है तो है, आरओ है तो है, लेकिन अगर अगर हम वहां से गुजर रहे हैं रूम के अंदर ही, वो चीज है तो नजर नहीं जाएगी, लेकिन अगर वहां पर नहीं है तब नहीं। ये कहां चलेगी, आरओ कहां चलेगी, फ्रिज कहां चला गया, तब नजर जाएगी। कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि चीजों को हम लोग रिपेयर करने के लिए देते हैं, कोई चीज कहीं पे है रिपेयर करने के लिए देते हैं, तो वो जगह मिसिंग हो जाती है, खाली जगह होती है वो, तब हमारी नजर जाती है। और तब भी नजर हमारी जाती है जब हम लोग किसी को लैंड कर चुके होते हैं, लैंड मतलब उधार दे चुके होते हैं, तब भी हमारी नजर जाती है कि यहाँ पे वो चीज थी, मैंने किसी को दी है, मतलब वो इनडायरेक्टली, पर गर्ल तो समझ नहीं पाएगी, मतलब क्या कि मैं, हम लोग, मैंने, मतलब मेरी मम्मी ने ये सारी चीजें लैंड की थी, उधार दी थी। सो पेज नंबर 14 स्टार्टिंग टू लाइन्स वी कंप्लीटेड, रिमेनिंग पार्ट विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।